बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाऊंगी पहलवानी शरबत। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिलता रहे। तो चले जी शुरू करते हैं। ये थूम लंगा 2 चम्मच मिले, मैंने लिए 4 मग्स के। गूंद कतीरा लिया मैंने, कुछ चंद दाने मैंने बादाम के लिए, इनको हम भगो लेंगे। बॉल मैंने रख दिया, इसमें डालेंगे थूम लंगा। पहले हम थूम लंगा भिगो लेंगे। पानी डाल देते हैं जितने में ये भीग जाएंगे हमारे, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा चला लेते हैं। ये वाला चम्मच मैंने लिया था, 2 चम्मच है जी, ठीक है जी। इसको रखेंगे हम आधा पौना घंटा, ये भीग जाएगी। अब हम गूंद कतीरा भिगो लेते हैं। चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये पहलवानी शरबत है, बहुत मज़े का बनता है। गूंद कतीरा भी भिगो दिया मैंने, अब बादाम में पानी डाल देते हैं। बादाम का जब हम छिलका उतारेंगे ये भीग जाएंगे, फिर इनका छिलका उतारेंगे हम। छिलका उतारेंगे, इनको हम भिगोएंगे 1.5-2 घंटे भीगे रहेंगे। फिर जब ये भीग जाएंगे फिर हम अपना शरबत शुरू करेंगे बनाएंगे। गूंद कतीरे को मैंने पानी में भिगोया था, ये अच्छा सा फूल चुका है देखें। तो हम लंगे भी हमारी ये देखें पानी में फूल चुकी हैं। 20 से 25 अदद मैंने बादाम की गरियाँ ली थी, इनको मैंने भिगोया था, इनका छिलका मैंने उतार लिया। 4 मग्स भी मैंने धो के रख लिए। अच्छा जी शुरू करते हैं जी। देखची मैंने रख लिया, शरबत बनाना शुरू करते हैं। आप अपनी मर्जी से ये काम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये गूंद कतीरे के बहुत फ़ायदे हैं थूम लंगा के, ये बच्चों को ज़रूर बना के दें। जैसे आजकल ये गर्मी का ज़ोर है, ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, ठीक है जी। गूंद कतीरा देगची के अंदर डाल दिया हमने, अभी हम थूम लंगे डाल देते हैं। चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चार मग्स भी डाल देते हैं। चार मग्स भी बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। बादाम भी डाल देते हैं, ये बच्चों को बना के दें, खुद भी पिए। अच्छा जी बादाम भी चले गए। अब ये वाला डालेंगे हम शरबत, ये संदल का शरबत है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई शरबत भी ले सकते हैं, मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। ये डालेंगे हम हसबे ज़रूरत, जितना मीठा पसंद करते हैं। आप चाहें तो चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही। अब इसमें डालेंगे हम पानी, इसको हम चला लेंगे। पानी हमारा ठंडा है काफ़ी, पानी और डालते हैं। पानी भी ठंडा काफ़ी, जितना ठंडा होगा उतना मज़ा आएगा। बर्फ़ डाल देते हैं। शरबत और थोड़ा सा डाल देते हैं। शरबत हमारा बिल्कुल तैयार है, इसको अब हम गिलासों में डालते हैं और इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। पहलवानी शरबत हमारा बिल्कुल बन के तैयार है, आप भी ज़रूर बनाएं, बहुत मज़े का बना है। बच्चों को बना के दें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें दुआओं में याद रखें। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।